हेलो एवरीवन, हम आज इस वीडियो में टाइप्स ऑफ सटायर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम सटायर का मीनिंग देखेंगे, उसके बाद कॉमेडी और सटायर में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे, फिर सटायर के टाइप्स जैसे डायरेक्ट सटायर, इनडायरेक्ट सटायर और उनके भी प्रकार मेनेपियन, होरेशियन, जुवेनालियन, इन सब के बारे में डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मीनिंग ऑफ सटायर। सटायर मीन्स द आर्ट ऑफ मेकिंग अ सब्जेक्ट रिडिकुलस बाय इवोकिंग फीलिंग्स ऑफ अम्यूजमेंट, कंटेम्प्ट एंड स्क्रॉन। सटायर का मीनिंग एक ऐसी कला है जहां पे जो सब्जेक्ट है, एक चीज है, वो पर्सन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको रिडिकुलस करना, उसको हास्यास्पद बनाना, और हास्यास्पद बनाते समय जो रीडर है या लिसनर है उनके अंदर अम्यूजमेंट, कंटेम्प्ट और स्क्रॉन क्रिएट करना। दूसरी तरह से ये कह सकते हैं, सटायर में एक सब्जेक्ट को रिडिकुलस करते समय उसके ही बारे में अम्यूजमेंट, कंटेम्प्ट और स्क्रॉन की फीलिंग क्रिएट करना। अब जो सटायर का सब्जेक्ट है वो एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है या एक टाइप ऑफ पर्सन हो सकता है, मतलब जैसे कॉमिक पर्सन, एंग्री पर्सन, उनका जो टाइप है वो हो सकता है, या एक क्लास, एलिट क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, पॉलिटिशियंस, पुलिस, ऐसा कोई भी एक क्लास उस रेडिकुल का सब्जेक्ट हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन या फिर एक कंप्लीट नेशन भी इस सटायर का सब्जेक्ट हो सकता है। सटायर इज डिफरेंट फ्रॉम कॉमेडी विच इवोक्स लाफ्टर एज एन एंड इन इटसेल्फ व्हाइल सटायर स्कॉर्न्स। यहाँ पे हमें समझना होगा कि कॉमेडी और सटायर में डिफरेंस है। कॉमेडी सिर्फ लाफ्टर पैदा करती है और बस उसका एम खत्म हो गया, लाफ्टर पैदा करके उसका एम खत्म हो गया, उसका दूसरा एम कुछ नहीं रहता, वो वहीं पे खत्म हो जाती है कॉमेडी। लेकिन सटायर लाफ्टर क्रिएट करते करते उस सब्जेक्ट के लिए स्क्रॉन भी क्रिएट करती है, कंटेम्प्ट भी क्रिएट करती है। अब सटायर के लिए लाफ्टर एक वेपन है, कॉमेडी इटसेल्फ अ लाफ्टर, सटायर के लिए लाफ्टर एक वेपन है अगेंस्ट अ सब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट आउटसाइड द वर्क। सटायर में लिखा तो बुक में जाता है लेकिन जो सब्जेक्ट होता है जिसे सटायराइज किया जाता है वो उस वर्क के आउटसाइड होता है, वो रियल पर्सन हो सकता है, वो रियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है, रियल नेशन हो सकता है, लेकिन वो सटायराइज किया जाता है। जैसे जॉन ड्राइडन ने अपने मैकफ्लेकनो में थॉमस शैडवेल को सटायराइज किया है, लेकिन वो बुक में नहीं है, वो आउटसाइड है। विलियम कॉन्ग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये प्ले जो एलिट क्लास है उसको सटायराइज करता है। सटायर एम्स एट लेसनिंग और डेरोगेटिंग अ सब्जेक्ट बाय मेकिंग इट रिडिकुलस। सटायर का मेन एम क्या होता है, जो सब्जेक्ट है उसको लेसन करना, उसको डेरोगेट करना, उसको कम करना, उसका इम्पोर्टेंस कम करना या उसको कम दर्जे का करना, और ये कैसे करना, उस सब्जेक्ट की हंसी उड़ाते हुए, उस सब्जेक्ट का मजाक उड़ाते हुए उसको लेसनिंग करना, उसको कम करना और उसको डेरोगेट करना, ये सटायर का एम होता है। सटायर के जनरली दो टाइप होते हैं, एक फॉर्मल और डायरेक्ट सटायर, दूसरा इनडायरेक्ट सटायर। फॉर्मल सटायर के दो काइंड से, होरेशियन सटायर और जुवेनालियन सटायर, और इनडायरेक्ट सटायर में मेनेपियन सटायर और उसको कभी कभी वेरोनियन सटायर भी कहा जाता है, ये टाइप से। तो अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मल सटायर या डायरेक्ट सटायर। अब यहाँ पे नाम से ही पता चलता है ये सटायर डायरेक्ट होता है। इन फॉर्मल और डायरेक्ट सटायर द सटायरिक पर्सोना स्पीक्स आउट इन द फर्स्ट पर्सन and this I may address to the reader or a character within a work itself who is called adversarius. अब adversarius Latin word है adversary के लिए, means opponent के लिए। अब direct satire में क्या होता है, जो satire करने वाला persona होता है, speaker होता है, वो first person में बात करता है। जैसे I, जैसे Alexander Pope का epistle to Arbuthnot में वो first person में बात करता है, या तो वो रीडर से बात करेगा, नहीं तो उस सटायर में, उस वर्क में एक दूसरा पर्सन होगा, लिसनर होगा, कैरेक्टर होगा, जिसे एडवर्सेरियस कहते हैं, मतलब अपोनेंट होता है वहां पे, उससे बात करेगा या उसको एड्रेस करेगा।
अब जो ये एडवर्सेरियस है उसका मेन फंक्शन क्या है, क्यू ओकेजन, मतलब जो स्पीकर है उसको ओकेजन देना, उसको अपॉर्चुनिटी देना सटायर करने के लिए, और वो एडवर्सेरियस रिलायबिलिटी क्रेडिबिलिटी देता है, जो स्पीकर के कमेंट है उनको क्रेडिबिलिटी देता है, रिलायबिलिटी देता है, ये मेन फंक्शन है उस एडवर्सेरियस का। फॉर एग्जाम्पल इन अलेक्जेंडर पोप्स एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बटनॉट, डॉक्टर आर्बटनॉट यहाँ पे एडवर्सेरियस है, अपोनेंट है। अलेक्जेंडर पोप डॉक्टर आर्बटनॉट को एड्रेस करते हैं उस सटायर में। तो डायरेक्ट सटायर का सबसे पहला काइंड है होरेशियन सटायर। होरेशियन सटायर का नाम जो रोमन सटायरिस्ट थे होरेस, उनके नाम पर दिया है। अब होरेस ने कहा था कि जो उनका सटायर है इज टू लाफ पीपल आउट ऑफ देयर वाइसेस एंड फॉलीज, मतलब होरेस के लिए सटायर का एम जो पीपल है उनके दोष, उनकी मूर्खता, उनके वाइसेस, उनकी फॉलीज, इन पर ही उनको हंसाना, ये है। होरेशियन सटायर में जो सोशल वाइसेस है, सोशल फॉलीज है, उनको प्लेफुली क्रिटिसाइज किया जाता है, और वहां पे जेंटल, माइल्ड और लाइट हार्टेड ह्यूमर क्रिएट होता है, और वैसी ही सॉफ्ट लैंग्वेज भी यूज की जाती है। जनरली सटायरिकल वर्क में जो स्पीकर होता है वो कल्चर्ड, सोफिस्टिकेटेड, विटी, होशियार और टॉलरेंट मैन होता है। अब मैन ऑफ द वर्ल्ड मीन्स जो पूरा वर्ल्ड घूमता है, जिसे घूमना फिरना बहुत पसंद है, और जो एक सोसाइटी में आता है और उसको ऑब्जेक्टिवली देखता है, ऑब्जेक्टिवली क्रिटिसाइज करता है। एंड दैट स्पीकर इज अम्यूज्ड बाय द स्पेक्टेकल ऑफ ह्यूमन फॉली, प्रिटेंशियसनेस एंड हिपोक्रेसी। अब जो स्पीकर होता है वो कल्चर्ड होता है, विटी होता है, टॉलरेंट होता है, और उसको दुनिया का ज्ञान होता है, उसने बहुत दुनिया देखी हुई होती है, और वो एकादी सोसाइटी में जब आता है तब वहां की जो ह्यूमन फॉली, वहां के लोगों की मूर्खता, प्रिटेंशियसनेस और हिपोक्रेसी, इन पर वो हंसता है, अम्यूज होता है। यहाँ पे जब वो बात करता है तो उस प्रिटेंशियसनेस, हिपोक्रेसी और फोली की वजह से वहां पे सटायर क्रिएट होता है। जो स्पीकर है he uses relaxed and informal language to evoke wry smile from the readers at human failing and absurdities. यहाँ पे होरेशियन सटायर में जो स्पीकर है वो रिलैक्स्ड और इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करता है, और वो रीडर के अंदर एक राय स्माइल क्रिएट करता है, जो ह्यूमन फेलिंग है, अब्सर्डिटीज है, जो वहां के बुक के कैरेक्टर है उनके थ्रू वो हमें बताता है स्पीकर, ये रियल लाइफ में जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है, पर्सन समझिए या फिर कोई इंस्टीट्यूशन समझिए, उसके फेलिंग और अब्सर्डिटीज के ऊपर आयरोनिक माइल रीडर के अंदर क्रिएट करता है। होरेशियन सटायर में हमें ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो पीपल की वाइसेस और फॉलीज है उनको क्रिटिसाइज, उनको सटायराइज किया जाता है, ये मेन है। अब होरेशियन सटायर का एग्जांपल है पोप्स मोरल एसेज। डायरेक्ट सटायर का नेक्स्ट काइंड है जुवेनालियन सटायर। रोमन के एक सटायरिस्ट है जुवेनाल, उनके वर्क से ये सटायर को नाम दिया गया है। जुवेनाल अपने लाइफ में, अपने वर्क के अंदर लोगों को सटायराइज करते थे, डायरेक्ट सटायराइज करते थे, उनका नाम लेकर सटायराइज करते थे, और यहाँ पे वो ह्यूमर क्रिएट नहीं करते थे, यहाँ पे डिस्गस्ट, कंटेम्प्ट, इंडिग्नेशन, एंग्रीनेस क्रिएट करते थे। जुवेनालियन सटायर इज अ बिटर एंड आयरोनिक क्रिटिसिज्म ऑफ कंटेम्पररी पर्सन एंड इंस्टीट्यूशन दैट इज फिल्ड विद पर्सनल अटैक, एंग्री मॉरल इंडिग्नेशन एंड पेसिमिज्म। जो जुवेनालियन सटायर होता है इट इज बिटर एंड आयरोनिक क्रिटिसिज्म ऑफ कंटेम्पररी पर्सन। एक कंटेम्पररी पर्सन है, उसको जनरली जब पोप करते थे, सैमुअल जॉनसन ने किया है लंदन में और वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस में, वहां पे डायरेक्ट अटैक किया जाता था, वो भी बिटर, और ये एंग्री पेसिमिज्म इससे इंस्पायर्ड होता था। वो पर्सन हो सकते थे, वो इंस्टीट्यूशन हो सकते थे जिन पर अटैक किया जा रहा है। जुवेनालियन सटायर में जो स्पीकर है वो सीरियस मोरलिस्ट होता है, और वो डिग्निफाइड लैंग्वेज यूज कर पब्लिक में जो वाइस है, एरर है, जो कि सोसाइटी के लिए डेंजरस है, उनके ऊपर सटायराइज करता है। अब ये जो वाइसेस है, एरर्स है, वो डेंजरस तो है ही, लेकिन उनका कोई सेंस नहीं बनता, वो लॉजिकल नहीं है, इसलिए वो रिडिकुलस है। ये जुवेनालियन सटायर में होता है। जो स्पीकर है ही इवोक्स इन रीडर्स कंटेम्प्ट, मोरल इंडिग्नेशन और अनइल्यूजेंट सैडनेस एट द एक्सेंट्रिसिटीज ऑफ ह्यूमैनिटी। हमने होरेशियन में देखा था वहां पे वाइसेस और फुलीज पे हंसा जाता है, लेकिन यहाँ पे
जो एक्सेंट्रिसिटीज है ह्यूमैनिटीज की, वहां पे कंटेंट क्रिएट किया जाता है, एंग्रीनेस इंडिग्नेशन क्रिएट किया जाता है, और अनइल्यूजन सैडनेस जो रियल सैडनेस है वो क्रिएट की जाती है, सच्चाई दिखाई जाती है जुवेनाइलियन सटायर में, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट अटैक होता है, घुमा फिरा के सटायर नहीं किया जाता, डायरेक्ट सटायर किया जाता है। तो एग्जाम्पल है सैमुअल जॉनसन की पोयम है लंडन एंड द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेष, ये जुवेनाइलियन सटायर के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट सटायर, जो मेन सटायर के दो काइंड्स है, डायरेक्ट सटायर उसमें ही सेकंड है इनडायरेक्ट सटायर, नाम से ही जान सकते हैं इनडायरेक्ट सटायर इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्टली नहीं होता। इट इज इन द फॉर्म ऑफ फिक्शनल नैरेटिव एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सटायर आर कैरेक्टर्स दैट मेक देमसेल्फ रिडिकुलस बाय देयर एक्शंस थॉट्स एंड वर्ड्स। हमने देखा कि डायरेक्ट सटायर में एक स्पीकर होता है, वो कमेंट करता है, वो सटायराइज करता है, लेकिन इनडायरेक्ट सटायर में जो कैरेक्टर है जिसको सटायराइज करना होता है, वो खुद ही खुद को अपने एक्शंस के थ्रू, अपने थॉट्स, वर्ड्स के थ्रू, स्पीचेस के थ्रू खुद को ही रिडिकुल करता है, ये इनडायरेक्ट सटायर है। ओकेजनली द ऑब्जेक्ट्स आर मेड रिडिकुलस बाय द कमेंट्स एंड नैरेटिव स्टाइल ऑफ द ऑथर, और कभी कभी जो ऑथर की नैरेटिव स्टाइल है और जो कमेंट है उनके थ्रू भी जो ऑब्जेक्ट है, जो कैरेक्टर है, उनको रिडिकुल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वोल्टेयर्स कैंडिड। इनडायरेक्ट सटायर का काइंड है मैनिपिन सटायर और वेरोनियन सटायर। मैनिपस ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने इस सटायर का इन्वेंट किया, इसलिए इसको मैनिपिन सटायर कहते हैं, और जो वेरो था रोमन इमिटेटर था इस सटायर का, इसलिए इसको कभी कभी वेरोनियन सटायर भी कहा जाता है। अब ये क्या होता है, इट हैज अ लेंथ एंड अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू अ नॉवेल एंड इज जस्ट कैरेक्टराइज बाय अटैकिंग मेंटल एटीट्यूड्स रादर देन स्पेसिफिक इंडिविजुअल और एंटिटी। मैनिपिन सटायर में हमको ये ध्यान में रखना है, ये बहुत बड़ा होता है, इसका साइज बहुत बड़ा होता है, इसका स्ट्रक्चर एक नॉवेल की तरह ही होता है, और इस सटायर में जो मेंटल एटीट्यूड है ह्यूमन के, सोसाइटी के, उसको सटायराइज किया जाता है, किसी पर्सनल इंडिविजुअल को सटायराइज नहीं किया जाता। जैसे होरेशियन और जुवेनालियन में पर्सनल इंडिविजुअल को सटायराइज किया जाता है, मेनिपियन में वैसे सटायराइज नहीं किया जाता। मेनिपियन सटायर रिटन इन अ प्रोज विद ओकेजनल इंटरपोलेशन ऑफ वर्स। मेनिपियन सटायर जनरली प्रोज में लिखा जाता है और उसमें वर्स की, पोयम की मिंगलिंग भी होती है, मिक्सचर भी होता है। मेनिपियन सटायर में जो कैरेक्टर्स है वो लॉन्ग स्पीचेस देते हैं, और वो स्पीच में जो आइडिया वो डिफेंड कर रहे होते हैं उसी को ही वो खुद ही रेडिकुल करते हैं अपने आर्ग्यूमेंट से। समझ लीजिए एक पर्सन है, उसको एक आइडिया डिफेंड करनी है, वो इतना बात करता है उस आइडिया पे, इतना बात करता है, और बात करते करते कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट करता है कि वो उसको जो मुद्दा वहां पे डिफेंड करना है उसके उल्टा ही कभी कभी बात कर लेता है। तो ये है मैनिपियन सटायर, इसमें जो कैरेक्टर है उसको ही, उसको खुद के ही वर्ड में रिडिक्यूल किया जाता है, और इसका साइज बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे मैनिपियन सटायर का एग्जाम्पल है वोल्टेयर का कैंडिड और थॉमस लव पीकॉक्स का नाइटमेयर एबी। तो आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपको सटायर का मीनिंग, उसके डिफरेंट काइंड समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर देम। तो आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।